गाइस कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन आईटेल A50। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आईटेल के इस डिवाइस में आप किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। सो गाइस विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार में आना है। एक बार इधर की ओर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, एडिट शॉर्टकट्स स्विच इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ मिलेगा आपको स्क्रीन रिकॉर्डर, तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे, ये ऊपर पहुँच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पर मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। ओके तो स्क्रीन रिकॉर्डर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रेस करके रखना है। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपको चेंज करनी होंगी। ओके जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्ड साउंड ऑडियो, अगर आप यहाँ से इसे ऑन कर देंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड डिवाइस ऑडियो, डिवाइस ऑडियो या फिर डिवाइस साउंड। ओके तो यहाँ पर रिकॉर्ड डिवाइस साउंड है। इससे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे इसे ऑन करके रखते हैं तो आपके फ़ोन में जो वॉइस रिकॉर्ड होती है वो यहाँ पर फ़ोन वाली होती है। जैसे कि फ़ोन में अगर कोई सॉन्ग चल रहा है या कुछ भी बज रहा है वो साउंड रिकॉर्ड होगा। और अगर आप इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो यहाँ पर आपका वॉइस भी रिकॉर्ड होगा जो आप बोल रहे हैं, बाकी आपका फ़ोन का वॉइस भी रिकॉर्ड होगा। ओके अगर आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन को ऑफ कर देंगे, इसे ऑन कर देंगे, तो आपका वॉइस रिकॉर्ड होगा, आपके फ़ोन का वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है वीडियो रेजोल्यूशन। ओके तो यहाँ से आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा शो टैब्स। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो क्या होता है, जहाँ भी टच करेंगे वो यहाँ पर आपका शो होता है, जहाँ भी क्लिक करेंगे वो टच शो होता है। उसके बाद मिलेगा डो नॉट डिस्टर्ब। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो क्या होता है, कोई भी अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन या कॉल यहाँ पर आपको शो नहीं होती है ऊपर की तरफ। ओके तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेटिंग्स आप चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आएंगे और सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। ओके तो ये यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आप नीचे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉज हो जाती है और दूसरा पेज ओपन करेंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा से वहीं से स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और यहाँ पर कट कर देंगे ये कट हो जाता है, गायब हो जाता है। ओके अब यहाँ पर इस पर क्लिक करके हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यह रिकॉर्ड स्क्रीन, ओके स्क्रीन रिकॉर्डर, तो परमिशन को अलाउ कर देंगे, फर्स्ट टाइम अलाउ कर देंगे। ओके यहाँ से इस तरीके से अब यहाँ पर बैक करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ओके कंटिन्यू गॉट इट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विद वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है। ओके तो इस तरीके से अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ओके सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।